सबसे पहले यूनियन ऑफ गोचिरो कराटे डू फेडरेशन जो है इसकी स्थापना लास्ट ईयर में हुई थी अप्रैल में। जितने भी गोचिरो संगठना है उन सबको मिला के यूनियन ऑफ गोचिरो कराटे डू फेडरेशन बना हुआ है और इसका डायरेक्ट एफिलिएशन है वर्ल्ड गोचिरो कराटे डू फेडरेशन और एशियन गोचिरो कराटे डू फेडरेशन। दोनों से ये मान्यता प्राप्त है, दोनों संगठनाओं से, वर्ल्ड की संगठना और एशिया की संगठना से। ये एक में वो एकलौती ऐसी संगठना है जिसको मान्यता मिली है गोचिरो का संपूर्ण जो फेडरेशन सब छोटे संगठन है उनको एकत्रित करना, फिर सबको एक स्टेट का फेडरेशन बनाना, उनके नेशनल्स के सिलेक्शन करना, वर्ल्ड कप में टीम भेजना, एशिया में टीम भेजना, ये पूरा कंट्रोल यूनियन ऑफ गोचिरो कराटे डू फेडरेशन के अंडर ही चलता है। आप लोग किस किस पोजीशन पे हो, किस तरह से जुड़े हुए हैं? जैसे कि मैं खुद यूनियन ऑफ गोचिरो कराटे फेडरेशन UGKFI मैं प्रेसिडेंट हूँ, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। मेरे लेफ्ट में जो है वो क्योशी, जो उनको एक पदवी है मिस्टर पीके पवार, ये चीफ एडवाइजर है और सर 1995 के वर्ल्ड चैंपियन है, तो उनकी बहुत सा सपोर्ट और उनका एक्सपीरियंस हमें वर्ल्ड कप में मिलने वाला है। मेरे राइट साइड में है अभिषेक सावंत, वो महाराष्ट्र बॉडी जो अभी महाराष्ट्र बॉडी होस्ट कर रहा है उसके कमिटी में है, और लेफ्ट साइड में दिनेश धनवी सर भी है, वो भी महाराष्ट्र बॉडी के है। तो महाराष्ट्र बॉडी महाराष्ट्र में होने के कारण महाराष्ट्र बॉडी होस्ट कर रहा है, तो नेशनल के साथ मिलके महाराष्ट्र बॉडी ये आने वाला जो नेशनल्स है जिसमें वर्ल्ड कप का सिलेक्शन होने वाला है बच्चों का, ये 29th और 30 मंडे या ट्यूजडे 29th एंड 30 अप्रैल को मुंबई में सिलेक्शन होने वाला है, तो उसके लिए ही हम सब यहाँ पे आए हुए हैं। खेल क्षेत्र में देखा गया है नेशनल कोस्टल कराटे जो संस्था है वो लगातार बड़े पैमाने पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करती है जहाँ पर ओवर ओवर सारे स्टेट के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो अपकमिंग प्रोग्राम होने वाला है वो किस लेवल पे होने वाला है, उसमें कितने बच्चे शामिल होने वाले हैं और किस किस राज्य से जाने वाले हैं उसके बारे में? तकरीबन 16 राज्यों की टीमें इसमें आने वाली है और बड़े पैमाने पे आने वाली है। तकरीबन 750 से 800 बच्चे हम लोग ने एक्सपेक्ट किए हैं और उनके एंट्रीज भी आए हैं, उनका पूरा रहने का संडे को रिपोर्टिंग है, और जो सिलेक्ट होगा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज वही वर्ल्ड कप में जाएगा, इस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। तो ये 16 साल से गोचिरो की अनेक संगठनाएं थी लेकिन ये सिलेक्शन जो है इतिहास में पहली बार हो रहा है कि गोचिरो के सब संगठनाएं एक साथ आई है, सब स्टेट फेडरेशंस एक साथ आए हैं और ऐसा सिलेक्शंस करके जो क्वालिटी बच्चे हैं वो वर्ल्ड कप में जाए और वर्ल्ड कप में इंडिया का नाम रोशन हो, ऐसा करने का सब नए जो नए पीढ़ी है उनका चालू है, और पुरानी जिन्होंने योगदान दिया है अब तक उनका एक्सपीरियंस लेके नए पीढ़ी का पावर लेके ये सब मिला के करने का प्रयास से करने का सोचा है। हम सर आप क्या कहना चाहेंगे, की तरफ से देखा गया बहुत सारे बच्चों को आगे जाने का मौका मिल रहा है, आने वाले समय में आप किस तरीके से और कहाँ पे देखना चाह रहे हैं बच्चों के जरिए और बच्चों को कहाँ पे देखेंगे? अक्सर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने अभी खेल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जिस देश का यंग जनरेशन अगर खेल में और बॉडी में मजबूत है वो कंट्री मजबूत है, ऐसा सोच के सब गेम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ सोचा है, तो वही प्लान हम सामने रखते हुए हमारा यंग जनरेशन मार्शल आर्ट्स में जितना भी है उनको एक साथ में जमा करना, उसमें जो हमारी स्टाइल है गोचिरो उसको प्रमोट करना, और वर्ल्ड में कराटे में गोचिरो ऐसा स्टाइल है सॉफ्ट मारने के लिए एकदम सॉफ्ट है, मतलब कोई भी उसको सीख सकता है और उसका असर जो है होने वाला सामने वाले के ऊपर वो काफ़ी हार्ड है, तो वही हमने चुना है और उसी को नज़र रखते हुए हमने स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि जिस देश में स्पोर्ट्स के अगर प्लान सामने रखा तो बहुत सी अभी यंग जनरेशन स्पोर्ट के तरफ से आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पोर्ट्स के लिए 5% कोटा रखा है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट में जॉब मिल सकता है और स्कूल में कॉलेज में उनको एडमिशन के लिए दिक्कत नहीं होती, 5% कोटा मिलता है, तो वही बेनिफिट हम बच्चों की तरफ मिले। और दूसरी बात यह है कि क्राइम बढ़ गया है खासतौर लड़के लोगों के लिए, इसमें मार्शल आर्ट्स में ला के गोचिरो में ला के हमें सोचा है कि उनको इसमें बहुत सक्षम करना है, क्योंकि एक अगर लेडी स्त्री तैयार होती है
वुमेन तैयार होती है तो उसका पूरा फैमिली, पूरा कुटुंब तैयार होता है। तो वो प्लान रखते हुए, सामने रखते हुए हमने गोजुरी में जितना हो सके उतना लोगों को प्रैक्टिस के लिए समय देना, अच्छी टीम सिलेक्ट करना, अच्छे कोच तैयार करना और उनको प्रमोट करके बाहर भेजना और वर्ल्ड में हमारा इंडिया का नाम रोशन करने के लिए हमने प्लान करके वही दिशा से हम लोग जा रहे हैं। तो यही हमारा एम है कि पूरे देश में जो हमारी गोजुरी की स्टाइल्स की जो क्लासेस है, जो स्टेट में जो है, उनके साथ एक साथ हम लोग एक यूनिटी बना के जो वर्ल्ड कप के लिए अब तक हम वंचित रहे उसके सिलेक्शन के लिए हम आगे आए। तो मुझे उम्मीद है कि इस जो टूर्नामेंट है हमारी नेशनल की, उसमें हमें बहुत सारा प्रोत्साहन से मिलेगा कि बहुत सारे जो लड़के लोग आ रहे हैं 750 जो ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें हमें एक प्रोत्साहन से हमें उनको वर्ल्ड कप में लेके जाने के लिए चैलेंज मिलेगा। सर आपसे सवाल आप क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर एक तरफ देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के माध्यम से देश के बच्चे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पे बड़ा योगदान एक तो नेशनल गोजुरी रोड का भी दिखना क्या नेशनल गोजुरी का एकदम हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हो और जो भी हमारे अलग अलग संस्था है गोजुरी की वो एक छत्र के नीचे आ जाए और एक यूनियन भी हम लोग आगे बढ़ के स्पोर्ट्स को और आगे ले जाए। और हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर फ्यूचर में कभी ओलंपिक होता है तो वहाँ पे हमारे स्पोर्ट्स को मान्यता मिलती है तो पहला मेडल हमारा गोजुरी का बच्चा लेता है। अच्छा, जैसे कि इस संस्था के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया बच्चे जा रहे थे, पहले किस किस कंट्री में बच्चे खेलते थे? इसके पहले हमारी बांग्लादेश में टूर्नामेंट्स हुई थी, इसके पहले नेपाल में एशिया कप हुए थे और अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुई हैं अंडर गोजुरी फेडरेशन, तो और वहाँ पे हमारे बच्चों ने बहुत सारे मेडल्स लेके आए तो वही बाकी बच्चों के लिए प्रोत्साहन होता है। अभी देखिए जब से मैं खेल रहा था तभी से मतलब काफी साल 1995 से मैं पहला वर्ल्ड चैंपियन खेला, तो उसके बाद में सेकंड चैंपियनशिप के लिए हम लोग गए थे इस्तांबुल टर्की, प्रेसिडेंट भी उसमें खेले थे जो धीरे सर प्रेसिडेंट है वो, तो हमें वहाँ मेडल नहीं मिला था। दूसरी टाइम में हम कोरिया गया, उधर भी मेडल नहीं मिला। थर्ड टाइम पे हम लोग गए मलेशिया, तो मलेशिया में हमें पहला गोल्ड मिला, एक गोल्ड 6 सिल्वर और 10 ब्रांज। तो उससे हमें तभी से हमको उम्मीद ऐसा रखा कि बड़ी टीम होना चाहिए, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेंट होना चाहिए। तो उसके बाद में बांग्लादेश में हमारी 30 लोगों की टीम गई तो उसमें हमें करीब 23 मेडल मिले बांग्लादेश में। सेकंड 14 लोगों की टीम गई, 14 के 14 और 14 के 14 मेडलिस्ट आए, तो उधर हमको बहुत ऐसा मतलब ऐसा ध्यान में आया कि बच्चों को अगर ज़्यादा ट्रेनिंग देते हैं, हम अच्छी ट्रेनिंग देते हैं तो हम हमारे बच्चे अच्छे बन सकते हैं। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया, कोरिया से कोच मंगाया, बेल्जियम से सर को बुलाया था हमारे जो गोजुरी के ट्रेजर है वर्ल्ड के, फिर और देखिए कैसा है। अभी लास्ट 2022 वर्ल्ड कप जो हुआ वो इटली में हुआ, इटली में देखा जाए अगर आप वेबसाइट के भी देखेंगे, WGKF के वेबसाइट पे देखेंगे, इंडिया का रैंक 29th है। ये अच्छा है क्योंकि 57-58 कंट्रीज है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 32 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये अच्छी बात नहीं है कि 32 कंट्रीज में इंडिया 29th आया। तो हमको सिर्फ खेलने नहीं जाना है, हमको सिर्फ बच्चों को घुमाने नहीं लेके जाना है, हमको बच्चों ऐसे सिलेक्शन चाहिए कि जो क्वालिटी बच्चे हैं वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करें। ऑल इंडिया के हर कोने में से हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं, इसके लिए हम स्टेट हर स्टेट में सिलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ के हर कमेटी को हमने बोल के रखा है कि सब सिलेक्शंस फेयर होने चाहिए, सब ऑन पेपर है, सब रिकॉर्ड है और जितनी भी सिलेक्शंस है वो ओपन है। गोजीरिव का कोई भी बच्चा जो गोजीरिव कर रहा है, जो कोच गोजीरिव कर रहा है, वो आके हमसे जुड़ सकता है, बच्चा आके जुड़ने के बाद हमारे कोई भी टूर्नामेंट में खेल सकता है। ये सिलेक्शन पूरी तरीके से ओपन सिलेक्शन है, जो हमारे मेंबर बन रहे हैं सबके लिए ओपन है,
और हम लोग यही है कि हर क्वालिटी, हमको क्वालिटी चाहिए जिसके साथ हम वर्ल्ड कप में इंडिया का रैंक सुधार सके। और आने वाले 2 सितंबर से 8 सितंबर तक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रिया में खेले जाने वाला है, वहाँ पे हमें अच्छी टीम भेज के सिर्फ इतना ही अच्छी टीम भेजना है हमको। ये है कि हम लोगों ने एक स्लोगन भी बनाया है, ब्रिंग इंडिया वोजू वर्ल्ड कप 2024। तो हमारा यही प्रयास है कि वर्ल्ड कप में अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दे के इंडिया का नाम भोजरियों में रोशन करना है। फिलहाल तो हमारे जो टूर्नामेंट अभी आ रही है, नेशनल टूर्नामेंट जो भोजू की हो रही है और सबसे बड़ी टूर्नामेंट है इंडिया की आज तक की, ये जो टूर्नामेंट हमने रखी है वो प्रिपरेशन है हमारा जो आने वाली एशियन चैंपियनशिप जो होने वाली है मंथ ऑफ जून में, उसका प्रिपरेशन जो है वो इंडिया लेवल पे हमारा कितना है और हमारे सारे स्टेट में से जो बच्चे वो कितने लेवल तक इस टूर्नामेंट में कैलिबर रखते हैं वो हमें जानना है। तो इस टूर्नामेंट में हमें इंडिया का जो टैलेंट है बुजुर्ग का वो हमें मिलने वाला है और इन्हीं बच्चों को हम आगे जाके जो एशियन चैंपियनशिप है उसी में वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उससे आगे जाके जैसे भी नीरज सर ने बताया, जो हमारे नेशनल फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड कप हो रहा है बुजुर्ग का वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे जो इंडिया का दबदबा बनाना है और इसके कारण ही हम जो भी तैयारियां कर रहे हैं वो बुजुर्ग के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। आज तक हमारी जो टूर्नामेंट हम जो कर रहे हैं वो अदर कंट्रीज में जाके कर रहे थे, बट हमारा ये सपना है कि बहुत सारे टूर्नामेंट जो है बुजुर्ग के वो हमारी कंट्रीज में हो और इंडिया का नाम और भी आगे जाके रोशन हो। यही हमारी आगे जाके एक जो प्रयास है उसका एक शुरुआत रहेगी इस साल और उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है धीरज सेन सर वो हमारी बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं और जरूर हमारे सारे सारे लोगों की जो प्रयास हो रही है बुजुर्ग को आगे बढ़ाने की, सो डेफिनेटली हम आगे जाके सच में बुजुर्ग का कुछ नाम जो है वो बढ़ा सकते हैं।